सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खरखोदा शहर की जयनारायण धर्मशाला में पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अरुण कुमार पहुंचे, जिन्होंने बैठक में पहुंचे लोगों से मिलकर बातचीत की और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग देने की अपील की। वहीं शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए वन वे ट्रैफिक नियम का पालन करने को कहा। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र में नशे और सट्टे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगातार क्षेत्र में नशा पैर पसार रहा है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने से नशा कारोबारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने कहा कि लोगों को किसी के खिलाफ खड़ा होकर आगे आने की जरूरत नहीं है। गुमनाम चिट्ठी भी पुलिस तक बात पहुंचाने का जरिया बन सकती है। किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे झगड़ों को थाने तक न आने दें, इसे अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करें, जिससे आसपास में भाईचारा मजबूत होने के साथ ही सौहार्द का वातावरण बना रहता है। वहीं 100 नंबर पर कॉल रिसीव न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर भी फोन किया जा सकता है। लाइन बिजी होने से जैसे समस्या कई बार हो जाती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने परिवार की सभी महिलाओं को दुर्गा शक्ति ऐप फोन में इंस्टॉल करने को कहा है। खरखोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। मैं बातें तो काफी मन में हैं और मैं चाह भी रहा था कि आज समय बहुत ज्यादा दूं आप लोगों के बीच में बैठूं, पर हमारी भी आपको पता है कि एक समस्या खत्म होती है दूसरी पैदा हो जाती है साथ ही साथ। तो चलो वो तो चलती रहेंगी, वो काम है वो हम करेंगे। बट अब जब से ये प्रयास संगठन वाले और ये सब लोग मेरे पास आए, ब्लाइंड मर्डर था, हमने ट्रेस किया, हमने पकड़ा, वो हमारी ड्यूटी थी। बट जब ये फूल लेके मेरे पास आया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो पुलिस को हम आप लोग कई बार नाराज तो होते हैं, क्योंकि जिससे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं जिस बच्चे से उससे नाराजगी भी बनती है। तो मुझे इस बात का था भी इन लोग आए हमें अप्रिशिएट किया था। मैंने कहा हमें जो पब्लिक से कमियां हैं, पब्लिक से तो हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है, पब्लिक कहती है जो पुलिस में लाख बुराई है, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा हम भी उनसे बात करें और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो हमें पब्लिक से चाहिए कम से कम वो उन तक ये बात पहुंचे। मेरी उसमें मेरी जो सबसे बड़ी जरूरत है जो हम महसूस करते हैं काम करते हुए, आप लोगों के सहयोग नहीं मिल पाता। और उसमें प्रॉब्लम कहां आती है, क्योंकि आप लोग हमें पे विश्वास नहीं करते भी। अगर मैं किसी पुलिस अधिकारी को कुछ बताऊंगा तो मेरा नाम बाहर आ जाएगा, वो जाके दूसरी पार्टी को बता देगा, मेरी दुश्मनी बन जाएगी, मैं क्यों खामखा उस बापने में पढ़ूं। तो मैं ये सारे मैटर आपके क्लियर करने के लिए आया हूं।